आज मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि हमें आशीर्वाद आज महाराज जी का मिला है जी। मेरे साथ में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य बैराग्य आनंद गिरी महाराज और आनंद गिरी महाराज और मेरी जो टीम है जो मेरे साथ गोहद से आई है, महगांव के भी हैं कुछ, उसमें ग्वालियर के भी हैं, सभी लोगों का आना हुआ है और सभी लोग मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर। एक अच्छा उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि मेरे साथ मैं बीजेपी में थी, जिला मंत्री थी और मैंने पूरे मन से कार्य किया, पर पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ क्योंकि मैं 2 साल से अभी घर बैठी हुई हूँ। किसी भी कार्यकर्ता के रूप में भी मुझे नहीं बुलाया जाता, कभी कोई कार्यक्रमों में इन्वाइट नहीं किया जाता, मुझे नहीं समझा जाता इस लायक कि मैं उस पार्टी में काम कर सकूँ। और मैं जब जनपद अध्यक्ष रही भिंड से तो मेरी पार्टी के द्वारा ही मेरा नुकसान कर दिया गया, यानी कि मेरा अविश्वास करा दिया गया, तो इसलिए मुझे नाराज़गी थी उस पार्टी से। फिर भी मैंने 2 साल रहकर इंतजार भी किया कि शायद कोई आए, मुझे समझे, मुझे बुलाए, पर किसी ने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं पार्टी की सेवा करूँ, तो इसलिए मैंने पार्टी त्याग। देखिए, कोई मांग नहीं होती समाज सेवा के लिए, कोई मांग नहीं होती, हमारा मन है, हमारा हार्दिक इच्छा है कि मैं गोहद से विधानसभा की तैयारी करूँ और मैं इस लाइन में काफ़ी समय से लगी हुई थी, लेकिन आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं गोहद में सफल हो जाऊँ। जैसा पार्टी मतलब विश्वास करेगी, आगे का भविष्य का मैं नहीं कह सकती कि मुझे ही टिकट मिले या ना मिले, मैं पार्टी में रहकर काम करना चाहती हूँ और मजबूती के साथ पार्टी को मजबूती देने का काम करूँगी। अगर सर्वे के आधार पर या जनता के बीच से अगर आवाज़ आती है, उनको लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं गोहद में अपनी सेवा दूँ, तो बिल्कुल पार्टी मुझे विश्वास करके टिकट दे सकती।